हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल व्हिच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो यूपी बीएड का फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंस नोटिस आई है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 5 जून 2020 को। ये हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। मैं आपसे हिंदी डिस्कस कर रहा हूँ। तो नोटिस में ये है, अब देख सकते हैं, वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रवेश बोर्ड परीक्षा बीएड 2020 के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के नवीन केंद्रों का चयन करने का विकल्प दिया जा रहा है। पूर्व में दिए गए विकल्पों के स्थान पर यदि अभ्यर्थी नवीन विकल्प का चयन करना चाहते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन से पुनः लॉगिन करके सभी केंद्रों में से किन्हीं 3 केंद्रों का चयन कर सकते हैं। यह अवसर 8 जून 2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 8 जून 2020 से दिनांक 14 जून मध्यरात्रि तक उपलब्ध रहेगा। ये सुविधा इसलिए है कि कोविड-19 के मामले को देखते हुए कहीं कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे जाना इतना आसान नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए ये चीज़ें की गई हैं कि वो चाहें तो अपना एग्ज़ाम सेंटर बदल सकते हैं। नवीन केंद्रों के चयन हेतु कुछ मानकों का निर्धारण किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए नवीन विकल्पों में से किसी भी शहर में परीक्षा का केंद्र बनाना संभव नहीं होता है तो उसके द्वारा मूल आवेदन पत्र में दिए गए विकल्पों में से किसी एक शहर का आवंटन किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप नया चयन करते हैं विकल्प, अगर उसमें संभव नहीं हुआ तो फिर आपने जो पुराना सेंटर निर्धारित किया है एग्ज़ाम के लिए उसी पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। परीक्षा केंद्र के चयन का निर्धारण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर वो ध्यान देकर अपना नया इंट्रेंस का सेंटर चयन कर लें, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जाने में सुविधा नहीं होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।